जय श्री राम प्यारे भक्तों, अगर भगवान आपको स्वप्न में ये संकेत देते हैं, दुनिया में अनंत मनुष्य हैं और कण कण में भगवान व्याप्त है, उनको भगवान ये स्वयं संकेत देते हैं और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनके ऊपर भगवान की कृपा है, ईश्वरीय कृपा से ही ये संकेत आपको स्वप्न में मिलते हैं, फिर चाहे आप ने इस जन्म में ईश्वर की कृपा प्राप्त की है या पूर्व जन्म में ईश्वर की कृपा प्राप्त की है, लेकिन आपके ऊपर कृपा है उसकी, इसीलिए आपको ये संकेत मिले हैं। उन संकेतों को जाने समझें, उनका क्या मतलब है और आगे बढ़े, क्योंकि बहुत से मनुष्य डर जाते हैं, स्वप्न का अर्थ नहीं जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। स्वप्न में अगर आपको गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप साधारण इंसान नहीं हो, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। नंबर दो, अगर आपको स्वप्न में किसी भी महापुरुष के दर्शन हो जाए तो भी ये कोई साधारण संकेत नहीं है, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, आप साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। नंबर तीन, अगर स्वप्न में संतों के ऋषि मुनियों के आपको दर्शन हो जाए तो ये भी दर्शाता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हो। अब समझिए कि ये अगर आपको कुछ बताएं, कुछ कहें तो वो किस प्रकार से शुभ होगा। देखो, गुरुजी महापुरुष संत ऋषि मुनि भगवान का ही रूप हैं, क्योंकि भगवान ने तो महापुरुषों को अपने से भी बढ़कर बताया है, स्वयं कहा है भगवान ने, तो भगवान उन महापुरुषों के द्वारा, संत ऋषि मुनि और गुरुजी के द्वारा आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए। और गुरुजी ये इनमें से कोई भी आपको स्वप्न में दिख जाए, स्वप्न में आपको वो नाम के बारे में इशारा करें, भक्ति के बारे में इशारा करें, आध्यात्म क्षेत्र के बारे में कोई भी इशारा करें, कुछ भी बताना चाहें, तो ये समझ लीजिए भगवान आपको स्वयं इनके रूप में आके बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आप इसलिए पैदा हुए हो इस दुनिया में, ये मनुष्य दुर्लभ मानव तन आपको इसलिए मिला है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और वो लक्ष्य क्या है प्यारे भक्तों, वो है इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, इससे बढ़कर ना कुछ लक्ष्य था, ना है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा परम लक्ष्य है। तो आप निरंतरता से भक्ति करें और अपने परम लक्ष्य को इसी जन्म में यानी परमात्मा की प्राप्ति कर अपना मनुष्य जन्म मिलने का उद्देश्य पूरा करें, क्योंकि उद्देश्य यही है, भगवान ने इसीलिए ऐसे हेतु की आप पे कृपा की है कि आप अपना लक्ष्य पा सके और इन संकेतों को समझ सके। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।